हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रॉपर्टी कलेक्शन में संजू और इंदु के साथ। फ्रेंड्स, आज फिर आए हम एक नई प्रॉपर्टी के साथ। आज जो प्रॉपर्टी हम लेके आए हैं वो सेक्टर 22 में अवेलेबल है। 250 गज की प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, और टू साइड ओपन प्रॉपर्टी है। फ्रेंड्स, ये 4 BHK प्रॉपर्टी है। इसमें 4 बेडरूम, 3 वॉशरूम और 1 डाइनिंग रूम और 1 किचन है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे तैयार किया हुआ है बिल्डर ने। इसको बिल्कुल आर्किटेक्ट के साथ तैयार करा हुआ है, और आप देखिएगा इस फ्लोर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कराया गया। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए और भी बढ़िया से बढ़िया प्रॉपर्टी लेके आऊँगा, प्लीज़ हमें आपका पूरा सपोर्ट चाहिए। तो आइए हम इस फ्लोर के लिए विजिट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग के फ्रंट एलोकेशन से। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये पूरा बिल्डिंग का फ्रंट एलोकेशन है जो आर्किटेक्ट की सलाह से तैयार करा गया है। SS की रेलिंग, और सामने आप स्टील का गेट देख रहे हैं, स्टेनलेस स्टील का, जिसमें वुडन वर्क भी हो रखा है। काफ़ी शानदार काम कराया हुआ है। ये हम स्टील पार्किंग के अंदर एंटर किया है। आप देख रहे हैं नीचे फ्लोरिंग पे रेनर स्टोन, ऊपर पूरे में फॉल सीलिंग, वॉल्स पे पूरी 2x4 की टाइल्स लगा रखी है। ये मीटर बक्से का स्पेस है, आप ये देख पा रहे होंगे। सामने वॉल पे भी पूरी डिज़ाइनिंग कराई हुई है बिल्डर ने, आप ये देख सकते हैं। पूरा गेट मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ अंदर से आपको। SS का गेट है, ये पूरा वुडन वर्क हुआ हुआ है डिज़ाइन के साथ। अब मैं आपको ये पूरी पार्किंग एक सेकंड के लिए रुक के दिखाता हूँ। ये आप देखिए पूरा स्पेस काफ़ी शानदार। अब हम चलते हैं स्टेयर्स पोर्शंस में। ये लिफ्ट एरिया, अभी इसमें काम हो रहा है, लिफ्ट का काम बाकी है, अभी चल रहा है। और मैं आपको पूरा जीने का अभी स्पेस दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, नीचे स्टेप्स पे ग्रेनाइट स्टोन्स हैं, टाइल्स लगी हुई हैं 2x4 की। अब ये फ्लोर के एंट्रेंस का फ्रेश डोर आप देख सकते हैं, स्टील की इसमें स्ट्रिप लगी हुई है, पॉलिश होनी है, हाई ग्लोसी पेंट होना है इस पल्ले पे। अब हम चलते हैं इसके अंदर फ्लोर के, यहाँ हम एंटर कर चुके हैं फ्लोर के अंदर। आप ये देखिए पूरी फ्लोरिंग पे इटालियन मार्बल लगा रखा है बिल्डर ने। यहाँ पूरा व्यू देख सकते हैं फ्लोर का, ऊपर फॉल सीलिंग बहुत ही शानदार, जिसमें कंसील्ड और कोप लाइट्स लगा रखी हैं। ये पूरी वॉल्स पे डिज़ाइन है जैसा आप देख पा रहे हैं, जिसमें मिरर का काम भी कर रखा है बिल्डर ने। सामने फ्रंट किचन, लॉबी के अंदर ये शानदार एक मंदिर बनाया हुआ है जो पूरा हाई ग्लोसी पेंट हो रखा है इस मंदिर में। ये स्लाइडिंग अलमीरा, पूरी लॉबी का व्यू आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार, ऊपर POP के डिज़ाइन। ये पूरा साइज आप पूरी वॉल देख सकते हैं। इसमें स्प्लिट AC का प्रोविज़न है, दो वॉल पे पूरी लॉबी में दो तरफ स्प्लिट, आप ये सकते हैं पूरी लॉबी का व्यू। ये सामने LED पैनल लगा हुआ है लॉबी का, आप देख सकते हैं पूरा व्यू काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी शानदार काम हुआ हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप ये देख सकते हैं। और पूरी फ्लोरिंग पे इटालियन मार्बल। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से चलते हैं सामने किचन में। आप ये देख सकते हैं पूरी किचन यू टाइप की किचन है। ये फ्रिज का स्पेस है काफ़ी शानदार, वाइट रंग की टाइल्स दी हुई हैं वॉल पे। आप ऊपर देख सकते हैं आलमंड कलर्स के जो हैं वो कैबिनेट्स बने हुए हैं। डबल शिंक का प्रोविज़न है, अभी शिंक लगना बाकी है। नीचे के जो बॉक्स हैं ये वाइट रंग के हैं पूरे, हाई ग्लोसी पेंट हो रखा है। ये सामने विंडो वेंटिलेशन के लिए चिमनी का स्पेस दे रखा है किचन में, काफ़ी शानदार काम कराया हुआ है। अब हम यहाँ चलते हैं बेडरूम नंबर 1 की तरफ। आप ये देखिए बेडरूम नंबर 1 का पूरा साइज़ काफ़ी शानदार, काफ़ी स्पेशियस। ये देखिए पूरा मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, वाइट रंग की कंसील्स एंड येलो रंग की कोप लाइट्स जो इस समय ऑन है। आपको पूरे रूम का मैं व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए दोनों तरफ से। और ये आप देख सकते हैं साइज, सामने LED पैनल जिसमें वाइट हाई ग्लोसी पेंट और ब्राउन पॉलिश, दो दराजों का प्रोविज़न आप देख सकते हैं ये। और वेंटिलेशन के लिए ये शॉफ की विंडो है इसमें, और ये रूम के अंदर ही एक स्लाइडिंग अलमीरा आप देख पा रहे होंगे पूरी, जो अपना ग्रीन रंग और ब्लैक रंग के पल्लों से तैयार की हुई है। साथ में ड्रेसिंग का प्रोविज़न, इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम, देखिए काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है। और वॉल पे ब्लैक एंड वाइट टाइल्स का कॉम्बिनेशन, ऊपर फॉल सीलिंग, कंसील लाइट्स दी हुई हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो और एग्जॉस्ट का पॉइंट, फिटिंग लगना भी बाकी है इस वॉशरूम में। ये देखिए आप शानदार डिज़ाइन दे रखा है, कंसील्ड टैंक का प्रोविज़न दिया हुआ है इसमें। और मैं आपको एक बार यहाँ से दोबारा लेके चलता हूँ पूरा साइज़ दिखाते हुए रूम का, ये आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं बेडरूम नंबर 2 की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं इस
फ्लोर का बेडरूम नंबर 2, ये हमने एंटर किया। काफ़ी स्पेशियस, आप ये देखिए इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है रूम की। ऊपर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, इसमें भी कोप लाइट्स और कंसील लाइट्स ऑन है, काफ़ी बढ़िया काम करा है। सामने स्लाइडिंग अलमीरा ड्रेसिंग के साथ जो ऊपर तक बनी हुई है रूफ तक, और बहुत ही शानदार काम कराया हुआ है इस रूम का। LED पैनल नीचे 2000 का प्रोविज़न वाइट एंड पॉलिश के साथ कॉम्बिनेशन LED पैनल का, और आप ये देख सकते हैं ऊपर तक पूरी अलमीरा बनी हुई है। ये देख सकते हैं पूरा साइज़ रूम का, काफ़ी स्पेशियस है। और एक बार फिर POP का डिज़ाइन, इसमें भी स्प्लिट AC का है। ये देख सकते हैं पूरा साइज़ रूम का, काफ़ी स्पेशियस है। और एक बार फिर POP का डिज़ाइन, इसमें भी स्प्लिट AC का पॉइंट दिया हुआ है बिल्डर ने। अब हम यहाँ से चलते हैं इस रूम से बाहर की ओर, और आपको पूरा व्यू दिखाते हुए मैं दोबारा इसका मंदिर आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार। और इसके साथ जो कॉमन वॉशरूम है लॉबी के साथ, ये आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार। इसकी फ्लोरिंग पर भी टेलिंग मार्बल, डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन टाइल्स का कॉम्बिनेशन, ऊपर फॉल सीलिंग और डाइवर्टर का यूज़ हुआ है इसमें। कंसील टैंक का अभी फिटिंग लगना, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी है। ये देखिए काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है और बहुत ही शानदार काम कराया हुआ है। इसमें भी डिज़ाइन दिया हुआ है बिल्डर ने, जो आप देख पा रहे होंगे। अब हम यहाँ से चलते हैं बेडरूम नंबर 3 की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं बेडरूम नंबर 3 पहले स्पेस, जैसे कि हम देखते हैं सामने स्लाइडिंग अलमीरा, ऊपर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, इसमें भी जो आप देख रहे हैं कंसील्ड लाइट्स और कोप लाइट्स दोनों का प्रोविज़न है। स्लाइडिंग अलमीरा ये आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार जो ऊपर तक बनी हुई है, काफ़ी स्पेस है अलमीरा में। और इसका ये LED पैनल काफ़ी शानदार डिज़ाइन के साथ बनाया हुआ है, इसमें आप शोकेस वगैरह शोपीस लगा सकते हैं। और इसके साथ ये देखिए आप अटैच्ड वॉशरूम, ये भी काफ़ी स्पेशियस है, ये आप देख सकते हैं पूरा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी कंसील टैंक का यूज़ हुआ है, डाइवर्टर का यूज़, ऊपर फॉल सीलिंग, और आप ये देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट की विंडो दे रखी है, वॉश बेसिन का पॉइंट, और ये सीट्स का प्रोविज़न था। अब आप यहाँ से हम चलते हैं इस रूम वॉशरूम से बाहर निकलते हैं रूम में वापस, और यहाँ से हम चलते हैं लॉबी से होते हुए दोबारा बेडरूम नंबर 4 की तरफ। तो ये आ गया इसका बेडरूम नंबर 4, ये देखिए आप काफ़ी स्पेशियस। इसमें भी स्लाइडिंग अलमीरा सामने जो रूफ तक बनी हुई है, ऊपर आप देख सकते हैं POP का डिज़ाइन, काफ़ी शानदार। फ्रेंड्स जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बहुत सारी वीडियो आपके लानी है। ये इसका शानदार, ये देखिए LED पैनल का डिज़ाइन, शोकेस बनना बाकी है अभी इसमें, आप ये देख सकते हैं काफ़ी शानदार है जो बना हुआ है ये LED पैनल। और इसके साथ अटैच जो बालकनी भी है, जो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा व्यू, ये जो डोर आप देख रहे हैं ये बालकनी के साथ अटैच है, मतलब यहाँ से भी रास्ता है इसका। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से बालकनी की तरफ, आपको दिखाता हूँ ये दो रूम के साथ अटैच है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी रूम में वापस। और यहाँ से हम चलते हैं लॉबी से होते हुए दोबारा बेडरूम नंबर 4 की तरफ। तो ये आ गया इसका बेडरूम नंबर 4, ये देखिए आप काफ़ी स्पेशियस। इसमें भी स्लाइडिंग अलमीरा सामने जो रूफ तक बनी हुई है, ऊपर आप देख सकते हैं POP का डिज़ाइन, काफ़ी शानदार। फ्रेंड्स जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बहुत सारी वीडियो आपके लानी है। ये इसका शानदार, ये देखिए LED पैनल का डिज़ाइन, शोकेस बनना बाकी है अभी इसमें, आप ये देख सकते हैं काफ़ी शानदार है जो बना हुआ है ये LED पैनल। और इसके साथ अटैच जो बालकनी भी है, जो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा व्यू, ये जो डोर आप देख रहे हैं ये बालकनी के साथ अटैच है, मतलब यहाँ से भी रास्ता है इसका। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से बालकनी की तरफ, आपको दिखाता हूँ ये दो रूम के साथ अटैच है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये देख सकते हैं। अब हम आ गए बालकनी में, काफ़ी शानदार जगह है ये, बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे ये लोकेटेड है फ्लोर। और ये देखिए आप पूरी बालकनी, बालकनी के फ्लोरिंग पे पूरा ग्रेनाइट, काफ़ी स्पेशल। ऊपर देखिए आप काफ़ी शानदार टाइल्स लगा रखी हैं, ऊपर लाइट्स लगा रखी हैं, वॉशिंग के पॉइंट दे रखे हैं बालकनी में, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग टफन ग्लास के साथ। ये देखिए पूरी बालकनी का व्यू बहुत ही शानदार है, और आपको
फ्रेंड्स मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए आप सामने पूरी पार्किंग का व्यू, तो मैं आपके लिए जल्द ही एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।